हमारी वीडियो फुल वॉच क्या करें। अस्सलाम वालेकुम आई दीवानी, कैसे आप सब? दुआ करती कि आप सब लोग ठीक होंगे, जान होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है जो बिल्कुल ठीक है। आज चलिए न्यूज स्टार्ट करें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर घर का राशन लेने। हम लोग राशन वाली दुकान पर पहले लेंगे घर के लिए राशन वगैरह, उसके बाद जो है कुछ और लेंगे। और ये लोग यहाँ पे रुक रहे हैं सामान लेके। मैं जाऊंगी सड़क की दूसरी साइड पे सब्जी लेने। अभी माल जो ना आ रहा है सब्जी वगैरह सामान, तो हमें लेना है। देखते क्या लेंगे, थोड़ी देर है तो यहाँ से फ्रूट ले लेते हैं। आज केला जो है 120 रुपए दर्जन। अमरूद कैसे दे रहे हैं भाई? 150 बेच रहे हैं आपको, 120 रुपए लगा देंगे। सुबह का टाइम है, सब अपने अपने सब्जी और रेड़ी लगा रहे हैं। तो आ जाओ, नहीं उतरेगा आपसे आज। और भी घर जैसे हूँ, नाश्ता करने लगी हूँ। अभी क्या हुआ? और यहाँ पर ईमान जो ना खीरे काट रही है, रात वाला सालन है। और ये दोनों मेरे साथ नाश्ता करें, ईमान और दुआ। और मुझे जो घी वाली रोटी नहीं पसंद, ना ही पराठा ना कुछ, सादा रोटी का घी लगाएं, बहुत अच्छी बनती है। फिर भी घी वाली से मान आए हैं पुप्पू वगैरह, तो अभी बनाइए चाय सबके लिए। मेहमान आ गए हैं, यहाँ पर घास का टोका बनाना है मुझे, तो सबसे पहले मैं जो ना घास का टोका बनाऊंगी बकरियों को डाल के। खुरली भी खाली है, बड़े माल की भी घास का टोका जैसे बनाऊंगी इनको डाल दूंगी। बाद में जो ना रोटी वगैरह बनाऊंगी। पाक पढ़ने के लिए मस्जिद में भी कह दिया, बच्चे भी पढ़ रहे हैं और उस्ताद साहब मौलवी साहब भी पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर भी बुलाया है, जो यहाँ पर पढ़ा जाएगा जितना नसीब होगा, बाकी जो उनके नसीब में होगा खाना भी और कुरान पाक भी। घास का टोका जो मैंने पहले बना के बकरियों को डाल दिया है, इसके बाद मैं डालूंगी बड़े मवेशियों को। और यहाँ पर इतना घास जो मैंने छोड़ दिया क्योंकि पहले बकरियाँ भूखी थी और मवेशी, मैंने कहा पहले इनको डाल दूँ, अब डाल रही हूँ बड़े मवेशियों को। अभी यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ मवेशियों के लिए तूड़ी मिक्स करूँगी, क्योंकि नीचे जो है ना मैंने डाल दिया सब्ज चारा इस तरह, ऊपर डाल रही हूँ तूड़ी, तो अभी मैं करूँगी मिक्स। अभी दे देखो इस तरह बन गया है चारा मेरे मवेशियों का, और राजू जो ना मेरा खा रहे अभी। ये इस तरह से बनाया जाता है। और ये हो गया एकदम रेडी, देखें भाई ये कर दिया मैंने रेडी। अभी सारे मवेशी निकाल देंगे बाहर। ये आ रहे हैं मवेशी अपना चारा खाने, अब ये सुकून से खा लेंगे। बाकी जो बचता है मैंने वो भी उसका टोका करना है अभी। और भी मैं लेके क्या आई हूँ शहर से, ये बूंदियाँ लेके आई हूँ दही बल्ले वाली। और यहाँ पर ये शाशे जो ना शैम्पू के लिए बच्चों के लिए लेके आई हूँ। और यहाँ पर ये टूथपेस्ट है चार, ये लिए थे बच्चों के लिए। और यहाँ पर ये बर्तन धोने वाला साबुन, और ये और शाशी है सनसिल्क का। और यहाँ पर ये माचिस की डब्बियाँ हैं इसमें। और ये जो है ना मुर्ग वाले पास्ता है, और हल्दी है। और ये रही दाल मूंग, कि कभी हम घर नहीं होते लेट हो जाते आते आते, तो बच्चे जो है ना घर में दाल पड़ी हुई तो बना लेंगे। और यहाँ पर बेसन आधा किलो, नहीं ये तीन पैकेट लिए थे मुर्ग के, ये तीन पैकेट। और एक किलो जो है ना चने की दाल, और एक किलो गुड़। और ये भी एक नहाने वाला साबुन लाइफबॉय, और दूसरा लिया लैक्स, लेते हम सेफ गार्ड हैं लेकिन ये लैक्स मिला है, डिटॉल भी नहीं मिला। और ये रहा, और यही सामान। तो ये देखिए कितनी महंगाई है यहाँ पर। हाँ एक साबुन ये भी है,
एक साबुन, ये है कपड़े बर्तन धोने वाला, काली देगचियाँ होती है ना, इससे कालक जो है बहुत अच्छी निकलती है, ये साबुन है। क्या कह रही हो दुआ? अच्छा तो इसे जैन मैंने नहला दिए और अभी जैन इसने सुरमा नहीं पहना और बाकी माशाल्लाह से देखें तो पूरी रेडी हो गई है। अभी ये सुरमा पहनेगी, मम्मा इसे पहनाएंगी। क्या कह रही दुआ? अच्छा ये कह रही है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अच्छा चलो हम छत पर चलते हैं, चलो ईमान और दुआ साथ जा रही है। तो उमर रुखसार जो है लड्डू लेकर आए ऊपर खेलने के लिए, तो मैं और जो है ना ईमान और माहम को लेके आई हूँ। अच्छा तो 5 छक्के उमर, यहाँ पर देखें हर कोई 2 से खेलता है, मेरा भाई 5। रुखसार कौन जीतेगा पता? उमर तुम बताओ। ईमान तुम्हें पता है कौन जीतेगा इनमें से? उमर जीतेगा भाई, उमर जीतेगा भैया। अच्छा तो अब देखते हैं कौन जीतता है। ये देखिए 5 हैं सिक्के यहाँ पर, इन्हें जो है ना हमारे यहाँ बुलाया जाता है छक्के बुलाया जाता है, जो कि मैच में भी छक्के होते हैं तो यहाँ पर लड्डों में भी छक्के होते हैं। यहाँ पर देखे अच्छा, अरे तुम्हें तो हर वक्त अस्सलाम वालेकुम कैसे हो ऐसे याद आता है। हाँ अच्छा तो माशाल्लाह से आज ईमान और दुआ माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं। हाँ और बोलो। अच्छा तो ईमान कह रहे कि आजा बटन बंद करवा देती हूँ। क्या हुआ दुआ? हाँ क्या हुआ? अच्छा इसे ना जब भी ना वीडियो बनाना शुरू करें ना तो इसे ना अस्सलाम वालेकुम कैसे आप सब ये याद आ जाता है। और ईमान ईमान ये जैकेट कहाँ से ली है? जैकेट कहाँ से ली है? मम्मा ने ले दिया। ये तो बहुत खूबसूरत है, मुझे दे दो। हाँ मुझे देती हो? मैं पहनूंगी ना, इसकी ले लूँ। इसकी तो छोटी सी है, तुम्हारी बड़ी है। अच्छा तो आज है माशाल्लाह से ईमान प्यारी लग रही है और दुआ भी, दोनों बहुत अच्छी लग रही है। कुछ और भी बोल लो। क्या कह रही दुआ? हाँ क्या? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अच्छा तो ये कह रहे हैं ओ माय गॉड। क्या कह रही ईमान? और अभी जाना यहाँ पर ये उमर और रुखसार लड्डो खेल रहे हैं, अभी तक इनकी लड्डो नहीं खत्म। और माशाल्लाह यहाँ पर सर तैयार हो गया, देखे और माशाल्लाह यहाँ पर खाना जो है ना रेडी हो गया है। यहाँ पर सेवइयाँ बनी हैं फातिमा ने, सालन मैंने बनाया है, यहाँ पर फ्रूट हैं, रोटी है और खजूरें आई थी जो अबू और अम्मी ने अभी भेजी थी, वो भी ख़त्म में रखी हैं। और ये ख़त्म के लिए डिश बनाई है, बाकी जो है ना सबको खाना देती है। भाई यहाँ पर उमर जन अपना खाना लेके आया, ये भी यहाँ पर खा रहा है। और उमर सुनाओ, चलो खा लो खाना खा लो, क्योंकि वहाँ पर लेडीज हैं। नहीं मैं उधर खा रही हूँ, आप खाएं शाबाश। अभी जैसे ही मैंने बच्चों को और घर में जो आए थे उनको खाना सर्व किया, मोहल्ले में थोड़ा सा दिया, तो उसी वक्त ही बच्ची दौड़ती हुई कि आपके मामू जो है ना फौत हो गए हैं, तो हम लोग उसी वक्त उधर भाग दौड़ की चले गए उधर। अभी मैं थोड़ी देर पहले घर आई हूँ, फातिमा से कहा चाय बना कर दे, मैं वहाँ देख के आऊँ। तो अभी मैं और माहम जा रहे हैं चाय देने के लिए वहाँ, और भी चाय दे के हम लोग वापस आ गए थे। और अभी तकरीबन 9 का टाइम होने वाला है और मैं अपने लिए बनवाया है कहवा, क्योंकि मेरे सर में काफ़ी दर्द है। दूध वाली चाय जो ना मुझे अच्छी नहीं लग रही खांसी की वजह से ना, कहवा ही अच्छा है। ये मैं पी रही हूँ पुदीने वाला। और यहाँ पर रुखसाना भी छत पे, हम लोग छत पे हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह चांद की चांदनी देखें, इसलिए मैं यहाँ ऊपर आके बैठ गई अकेली, और बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता सारे नीचे आ गए क्योंकि मैं परेशान थी काफ़ी ज़्यादा।
और वहाँ पे रो रो के मेरे सर में इतना दर्द था काफ़ी ज़्यादा, तो अभी मैंने फातिमा से कहा, मैंने कहा चाय बना दो, और उन्होंने चाय बना के दिए। खाना भी नहीं दिल किया ना ही खाया है मैंने, जैसे बनाया पता नहीं पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बच्चों ने खाना खाया नहीं खाया, बस जैसे ही अभी मैं कुछ सर्व किया था कुछ रह गया था, बस फौरन जैसे ही पता चला चले गए। और मुझे जैसे पता चला मैं गई हूँ वहाँ पर, और वहाँ पर जो माहौल होता है आपको पता है किस तरह का होता है, और मेरी मामू की कोई औलाद भी नहीं थी, और दुख इस बात का उसकी कोई औलाद भी नहीं थी, ना बेटी ना बेटा, उसकी बीवी मेरी मामी इस तरह रो रही थी काफ़ी ज़्यादा परेशान कि मुझे किसके आसरे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं आप। तो अल्लाह पाक जिन्होंने जन्नत में जगा दे, और सुबह उनका पता नहीं किस वक्त जनाजा भी होगा, आज रात रखा है क्योंकि काफ़ी हमारे रिश्तेदार नहीं आए, तो मैं घर आ गई हूँ, बच्चे अकेले हैं घर में, मेरे हस्बैंड नहीं हैं, तो वो जब आएंगे तो पता नहीं वो उधर ही चले जाएंगे फौतकी वाला घर। यहाँ पर हमारी मिशी जो है ना आ गई अंदर सोने के लिए, मैं फातिमा और ईमान दुआ अंदर सोते हैं, बाकी बच्चे जो है ना बाहर सोते हैं वहाँ पर। और भी आज सुबह से मैंने सलाम नहीं किया यूट्यूब फैमिली को, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली, दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रहे अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिलीज के साथ। और माँ भी स्कूल नहीं गई थी, उसने भी सलाम नहीं किया, सब बच्चों ने, अब ऐसे ही दिन गुजरा, पता ही नहीं था कि शाम को ये सब होने वाला है। तो बस दिल तो मेरा भी था कि मैं भी वहाँ पर रुकूँ, क्योंकि सारे जो है ना सब कज़ने मामू मामी हैं सब वहाँ पर ही हैं, तो मेरे बच्चे अकेले थे घर में, इसलिए मैं इशा के बाद वापस आ गई हूँ, फिर घर आई हूँ, फातिमा से कहा चाय बनाइए, चाय दे के फिर वापस घर आ गई हूँ। तभी बच्चों को सुबह स्कूल भी जाना है, तो इंशाल्लाह सुबह मैं जल्दी नाश्ता बना के इनको दे के ना फिर चली जाऊँगी वहाँ पर। तो माहम और ये रुखसाना जाग रही हूँ, हमारी अभी अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की बरसी जो ना खैरियत से होगी थी, और यहाँ पर गेस्ट जो थोड़े से थे उन्होंने कहा कि वीडियो नहीं बनाओ, तो मैंने कहा हम वीडियो नहीं बनाएंगे, आप आए हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी को वीडियो में आना। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हो गया और शाम को ये हो गया, बस अल्लाह की मर्ज़ी होती है, जिस तरह अल्लाह पाक ने लिखा है वैसा ही होता है। और मेरी अम्मी जब फौत हुई थी और अम्मी की कब्र आई थी, वो ऐसे ही रात थी, जुमे की रात थी, खमीस का दिन था, मगरिब की नमाज के साथ अम्मी का जनाजा हुआ था हरम में मस्जिद नबी शरीफ में, और जन्नतुल बकिया में है मेरी अम्मी, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी जगह पर है। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारी वीडियो पूरी देखा करें, एंड तक अल्लाह हाफिज़ कमेंट में ज़रूर बताएगा। हमारी पूरी फैमिली की तरफ से सर तैयबा और आयत को सालगिरह की मुबारक हो। मम्मी कह रही थी कि शाम को हम सब फैमिली ना तैयबा और आयत को विश करेंगे, और मेरे नाना की फौतकी हो गई फिर इसीलिए विश नहीं कर पाए। हम सब उनके लिए बहुत दुआ करते हैं और वो हंसते और मुस्कुराते रहे। मम्मी सो गए हैं, सुबह उठेंगे, लाफी।